निव्या एयर स्ट्राइक फुटबॉल बूट्स बहुत पसंद है आपको, है ना, लेकिन उसमें कुछ और कलर्स भी आपको चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे आ गए हैं इविन के फर्स्ट स्ट्राइक फुटबॉल बूट्स। ये कॉपी आप कहते होंगे इनको निव्या के एयर स्ट्राइक फुटबॉल बूट्स की, लेकिन इविन निव्या की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जिसने आपको निव्या एयर स्ट्राइक के कुछ और कलर ऑप्शंस देते हुए रेड कलर में भी निव्या एयर स्ट्राइक जैसा ही यहाँ पे इविन फर्स्ट स्ट्राइक फुटबॉल बूट लॉन्च किया हुआ है। तो इस रिव्यू में हम देखेंगे कि क्या निव्या एयर स्ट्राइक जैसी ही चीज सब कुछ इसमें है, क्या ये भी उतना ही बढ़िया बूट है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके अपर के बारे में। तो पहले मैं आपको पास से दिखा देता हूं किस तरीके का अपर है यहाँ पे इविन फर्स्ट स्ट्राइक फुटबॉल बूट्स का। तो ये लुक वाइज तो देखो हमेशा से ये चाहे निविया एयर स्ट्राइक हो या फिर इविन का फर्स्ट स्ट्राइक हो, लुक वाइज तो लोगों को एकदम देखते ही लगता है वाह यार क्या बूट है, क्या जबरदस्त लुक है इसका। लेकिन क्या और भी चीजें इसमें जबरदस्त है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये है आपका एक TPU अपर। नॉर्मली हम क्या देखते हैं इस प्राइस रेंज में PVC का हमको अपर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया TPU का अपर जो कि बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल होता है, बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल होता है, वो छुट गया हाथ से, जो कि बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल होता है, बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल होता है। लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही रिजिड होगा इसका अपर, लेकिन उतना रिजिड नहीं। ये नहीं मैं कह रहा कि रिजिड है ही नहीं, बिल्कुल ही सॉफ्ट है, आपको बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो ऐसा तो नहीं होगा, आपको बेयरफुट लाइक एक्सपीरियंस तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला इस फुटबॉल बूट में, लेकिन यहाँ पे इतना रिजिड भी ये है नहीं। तो बहुत ही अच्छा अपर है, ऊपर से आप देख पा रहे होंगे ये इतना हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा ये 3D पैटर्न सा इसके ऊपर दिया गया है आपकी शूटिंग के लिए। देखिए शूटिंग में ये बहुत काम आने वाला है बिकॉज रिजिड है थोड़ा, और रिजिड में आपकी पावर लाएगा ये शूट्स में। तो शूट्स में अगर आपको पावर चाहिए तो ये अपर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थोड़ी शूट्स की एक्यूरेसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाकी शूट्स की पावर बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है बिकॉज ये बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग अपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी तो ज़बरदस्त रहने ही वाली है इस अपर की, कमाल की ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे इस अपर पे आपको मिलेगी। उसके सिवा यहाँ पे आपको ऑफ सेंटर लेसिंग दिखाई देगी। ये पहला निविया का बूट था जहाँ पे आपको ऑफ सेंटर लेसिंग दिखाई दी, इसके बाद हमें निविया एस्टिंग में वो दिखाई दी। तो ऑफ सेंटर लेसिंग आपको ज़्यादा एरिया देती है शूटिंग के लिए, तो शूटिंग आपकी अच्छी होने वाली है, ज़्यादा पावर आपको उसमें मिलने वाली है, एरिया भी ज़्यादा है और स्ट्रांग मटेरियल है यहाँ पे अपर पे, और ड्यूरेबल भी ये बहुत है। यहाँ पे ये जो अपर है, ये पूरा बूट जो है ये एक सिंगल मॉडल बूट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये पूरा फुटबॉल बूट तैयार किया गया है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं, अभी रिव्यू में आगे बात करेंगे दोनों के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनके आउटसोल के बारे में। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं 14 राउंड स्टड्स या कॉनिकल स्टड्स इस फुटबॉल बूट में। तो यहाँ पे कॉनिकल स्टड पैटर्न दिया गया जो कि आपको एक अच्छे रोटेशनल मूवमेंट्स में हेल्प करेगा, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी भी ये प्रोवाइड करेगा। तो ये जो पूरा फुटबॉल बूट है ये TPU का बना है पूरा ही, चाहे वो अपर हो इसका और आउटसोल भी TPU का है। ये तो अच्छी बात है क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बहुत हो जाती है, TPU बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल होता है, वो ड्यूरेबिलिटी अपने आप में बढ़ा देता है। दूसरी बात क्या है कि ये जो बूट है ना ये डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से बना है, ये जो है एक सिंगल मॉल्डेड बूट है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको पेस्टिंग नहीं दिखाई देगी, कहीं भी आपको स्टिचिंग नहीं दिखाई देगी ना आउटसोल के साथ, ये एक सिंगल मॉल्डेड बूट है। इसकी अपनी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, लेकिन इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि कहीं से आपको निकलने का डर नहीं है कि इसका आउटसोल निकल जाएगा, कुछ दिक्कत होगी, कहीं स्टिचिंग निकल जाएगी, नहीं, एकदम सिंगल मॉल्डेड बूट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे बूट्स की, तो ड्यूरेबल बूट तो ये है, इसमें मैं बिल्कुल इसे आपको मैं कह सकता हूँ कि बहुत ड्यूरेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, अच्छा खासा टाइम तक चलेगा बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल। इसमें जो मटेरियल लगा है यहाँ पे कमाल का मटेरियल है, बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल है। अगली बात कर लेते हैं इसके इनसोल की। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इविन फर्स्ट स्ट्राइक और निविया स्ट्राइक में भी हमने देखा था रिमूवेबल डाई कट ईवा सोक लाइनर। तो हम इसे निकाल के दिखा सकते हैं, तो आपको निकाल के हम दिखाते हैं, निकल सकता है ना, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके का यहां से शायद पेस्टेड था, लिखा था रिमूवेबल, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको इनसोल सोक लाइनर यहाँ पे दिया गया है इविन फर्स्ट स्ट्राइक में, जो कि एक अच्छी पैडिंग भी है, ये देखिए बहुत अच्छी पैडिंग भी है, साथ ही साथ ये जो सोक लाइनर आपको प्रोवाइड किया गया है ये अच्छी स्टेबिलिटी बना के रखता है, अंदर एक अच्छी ग्रिप भी आपको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक लॉकड इन फिट देने की कोशिश की जाती है, इसी वजह से पूरा ये इस तरीके का सोक लाइनर अंदर प्रोवाइड किया गया है। और क्योंकि ये मटेरियल क्या है, ये मटेरियल है TPU, तो ये आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा कंफर्ट में दिक्कत दे सकता है, इस वजह से भी ज़बरदस्ती ये देना पड़ा,
ये पूरा नहीं तो हम क्या देखते हैं इंसोल बस नीचे से होता है इतना, ये पूरा कवर्ड भी ऊपर से इसी वजह से देना पड़ा बिकॉज ये जो बहुत ही टाइट बहुत ही रिजिड मटेरियल होता है टीपीयू जो कि दिक्कत दे सकता है आपको कंफर्ट में, बहुत सारी दिक्कतें दे सकता है आपके पैर में, दिक्कत दे सकता है, इसी वजह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके का डाई कट ईवा सोक लाइनर आपको प्रोवाइड किया गया यहाँ पे एविन के फर्स्ट स्ट्राइक फुटबॉल बूट्स में। बाकी बात करें तो पैडिंग की, अगर हम बात करें साइड्स में यहाँ पे पीछे, तो उतनी खास पैडिंग नहीं है, मिनिमल सी थोड़ी बहुत पैडिंग दी गई है, थोड़ा इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज बहुत ही रिजिड मटेरियल है तो पैडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से ये भी हमको देखने को मिला कि ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है यहाँ पे, हमें इनसोल को भी ऊपर से कवर करके दिया गया है इसी वजह से बिकॉज ये बहुत ही रिजिड मटेरियल है, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज पीछे पैडिंग कम है कि ब्लिस्टर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, शू बाइटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इस बूट में आपके लिए। अगली बात कर लेते हैं कि वेट फिट और कंफर्ट के बारे में, तो ये वेट के हिसाब से तो एक हैवी वेट बूट है बिकॉज पूरा ये टीपीयू से बना है जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा हैवी वेट बूट है। बात करें इसकी फिट की तो फिट में आपको दिक्कत आएंगी, क्यों आएंगी, देखिए इसमें हमने चाहे वो निविया का एयर स्ट्राइक हो या फिर एविन का फर्स्ट स्ट्राइक हो, थोड़ा दिक्कत आती है कि कुछ समय बाद ये यहाँ से खुल जाता है, यहाँ से चौड़ा होना स्टार्ट कर देता है पीछे से और आगे से ये बहुत टाइट है तो फिट में आपको दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा आप साइज़ बहुत देख के मंगाएं, तो साइज़ का बहुत मैटर करेगा नहीं तो परेशानी होगी आपको, तो साइज़ अपना जो है वही मंगाएं, उससे इधर से उधर ना मंगाएं, साइज़ को बड़ा ध्यान में रखते हुए आप इस फुटबॉल बूट को मंगाएं तो फिट इश्यूज़ थोड़े से आपको आ सकते हैं। बात करें कंफर्ट की तो कंफर्ट के मामले में यहाँ पे ये ज़रूर दिया गया एक अच्छा ईवा सोक लाइनर, बाकी यहाँ पे कंफर्टेबल उतना ही बूट नहीं रहने वाला बिकॉज बहुत ही हार्ड मटेरियल है तो कंफर्ट आप कम ही एक्सपेक्ट करिए इसके साथ, ड्यूरेबिलिटी वो ज़बरदस्त रहने वाली है। अगली बात कर लेते हैं आइडियल फॉर विच पोजीशन एंड ग्राउंड, तो यहाँ पे पोजीशन की सबसे पहले बात करें तो देखिए इसका स्टड पैटर्न सीधा सीधा कोनिकल स्टड पैटर्न है, तो सीधा सीधा ये जो फुटबॉल बूट है ये आपको स्टेबिलिटी और अच्छे रोटेशन मूवमेंट्स प्रोवाइड करेगा। देखिए गोलकीपर हैं अगर आप एक डिफेंडर हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हैं, बाकी अगर आप इसे एज अ प्रैक्टिस बूट यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी इसके लिए जा सकता है बिकॉज बहुत ही ड्यूरेबल बूट ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे पोजीशंस की बात ये हुई, बाकी बात करें ग्राउंड की, कौन से ग्राउंड के लिए आइडियल होगा, तो ये आइडियल है सॉफ्ट और वेट ग्राउंड्स के लिए बिकॉज इसका जो मटेरियल है ना ये आसानी से पानी को अंदर नहीं आने देगा, तो वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है जिसकी वजह से ये फुटबॉल बूट वेट कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वेट कंडीशंस के लिए ज़बरदस्त फुटबॉल बूट है ये। तो आप अगर वेट कंडीशंस में खेलते हैं, मरी एरिया में खेलते हैं जहाँ पे थोड़ा जो है गीला जहाँ पे, या फिर रेनी सीज़न आपके यहाँ पे चल रहा है जो कि अभी हमारे यहाँ चल रहा है मानसून है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बूट रहने वाला है ऐसे वेदर के लिए। अगली बात कर लेते हैं आइडियल फॉर मैचेस और प्रैक्टिस, तो बड़ी सीधी सी बात है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बूट है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रेफर कर लीजिए, स्टेबिलिटी अच्छी, रोटेशनल मूवमेंट्स अच्छे और ड्यूरेबिलिटी अच्छी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो कम प्राइस में एक ड्यूरेबल बूट आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हैं एज अ प्रैक्टिस बूट, मैच के लिए इसे ना ही प्रेफर करें तो बेहतर रहेगा। अब अगली बात कर लेते हैं कलर्स एंड साइजेस अवेलेबल, तो यहाँ पे कौन कौन से कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एविन फर्स्ट स्ट्राइक में, तो ये तो रेड कलर जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं ये अवेलेबल है, साथ ही साथ ब्लैक कलर में भी एविन फर्स्ट स्ट्राइक यहाँ पे आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ निविया का एयर स्ट्राइक जो है वो तीन कलर्स में अवेलेबल, ब्लैक, ब्लू और येलो, लेकिन यहाँ पे इसमें और निविया के एयर स्ट्राइक में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर आपको रेड कलर पसंद आता तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हैं, कोई आपको ऐसी परेशानी नहीं है कि पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, बिल्कुल सेम क्वालिटी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एयर स्ट्राइक और फर्स्ट स्ट्राइक में। बाकी बात करें इसके साइजेस की तो 3 से लेकर 11 UK India सारे साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं इस फुटबॉल बूट में, आपका जो भी साइज है बहुत ध्यान से उस साइज को देख के आप इसे मंगा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली और लास्ट बात कर लेते हैं इस रिव्यू में इसके प्राइस की, तो इसकी MRP है 1599 है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, चाहे फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे अमेजोन पे हो, चाहे कहीं और भी हो, ये फुटबॉल बूट आपको अंडर 1000 ही मिल रहा है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे इस वक्त ये प्राइस चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है अब जब आप वीडियो देख रहे हो चेंज हो गया हो कुछ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो कि अभी इसके क्या प्राइसेस हैं, क्या सेल आ गई है, कोई ज्यादा सस्ता हो गया है बूट, आप चेकआउट कर सकते हैं वहां से जाके। तो बस इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसे रिव्यूज आते रहेंगे आपके लिए, आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकॉन को ऑन करके रखना है और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। धन्यवाद।